नमस्ते आप सबको, मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब जानते हैं कि बीपीएससी के द्वारा टीआरई थ्री का आंसर की आ गया है, यानी आंसर आंसर की आ गया है। और आप सब अपना अपना आंसर जो है सो आंसर की मिलाई लिए होंगे कि कितना आपका बन रहा है। तो दिव्यांगजनों का ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये सिर्फ दिव्यांगजनों का ही वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें बताऊँगा कि दिव्यांगजनों का OH का कितनी कट ऑफ जाने वाली है, DD का कितनी कट ऑफ जाने वाली है, AH का, और जो है सो VI का और MD कैटेगरी का। सबसे पहले बता दूं कि OH कैटेगरी में सबसे अधिक कट ऑफ जाती है, उसके बाद DD का जाता है, उसके बाद VI का जाता है, उसके बाद MD कैटेगरी का जाता है। और यह कक्षा 1 से 5 के लिए कट ऑफ बना रहा हूँ। किसके लिए? 1 से 5 के लिए, और वो भी सिर्फ दिव्यांगजनों का कट ऑफ है। इसमें मैं बताने वाला हूँ कि दिव्यांगजनों का 1 से 5 TRE 3 में क्या कट ऑफ जाने की उम्मीद है। आप सबके कमेंट का जवाब देते हुए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ कि आप वीडियो देखिए और समझ लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और सबसे पहले OH का कट ऑफ जान लेते हैं कि OH में कितनी जाने की उम्मीद है। तो मैं आपको बता दूं कि OH का जो जाने का उम्मीद है, आप देख सकते हैं OH का 65 अगर आपका नंबर है तो समझिए कि आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। इसमें प्लस और माइनस दो नंबर आप एड अपना से कर सकते हैं। दो नंबर कम है फिर भी आस रखिएगा, दो नंबर ज़्यादा है तो कंफर्म ही आस रखिएगा। उसके बाद आप VI के डाल लेते हैं। VI में अगर 45 से ऊपर आ रहे हैं तो समझिए कि आपका रिजल्ट आ जाएगा कक्षा 1 से 5 में जो है सो BPSC TRE 3 के लिए। उसके बाद जान लेते हैं DD का। DD का क्या रहने वाला है? DD कैटेगरी जो है इसका 50 प्लस माइनस दो नंबर आप कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप DD के बाद जान लेते हैं कौन सी कैटेगरी बची है, MD। तो MD कैटेगरी का 40 नंबर है तो आप समझिए कि आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। यह जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, आप सबके आंसर के मिलाने के बाद आप लोग जो भी हमें बताए हैं और मेरा जो एनालिसिस है उसके हिसाब पर बता रहा हूँ। मैं 100% सही होगा मेरा कट ऑफ बताया हुआ, इसकी मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। मैं अपने विवेकानुसार बता रहा हूँ, और आपको अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आपका किस कैटेगरी में कितनी नंबर आई है यह भी कमेंट कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग।